पत्नी को इंतजार, उसके पति जरूर लौटेंगे। मालिक आ जा, सुहाग आ जा, राजा आ जा, पति आ जा। माँ को इंतजार, उसका बेटा जरूर आएगा। मेरी तो यही मतलब रिक्वेस्ट ही समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, कि बस अपना जी जानता हूँ लगाते हैं, थोड़ी जी होर मेहनत करें तो शायद सारे के बच्चे आ जाए। पिता को इंतजार, उसका लाल जरूर लौटेगा। ऐसे लग रहा है कि जैसे दुनिया खत्म हो गई हो, वो बेचारे लगे हुए हैं, सारे ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं पता चल रहा है। बहन को इंतजार, उसका भाई जरूर आएगा। जिसे जल्दी उसको ढूंढे, सारे परेशान हैं, पूरा परिवार, पूरा गांव, कुछ जानकारी भी नहीं मिल रही है सबको, किसने खाना भी नहीं खाया, सारे परेशान हैं। उसका जहाज लापता हो गई है, सरकार से यही निवेदन है कि हमारे भाई की मदद करे और जल्द से जल्द अपने घर आए। नाना को इंतजार, उसका नाती जरूर लौटेगा। हमारा नाती चेन्नई से फोर व्हीलर जा रहा था, उसके बाद उड़ान किया, बोला मैं जा रहा हूँ, उसके बाद प्लेन का पता नहीं है, ना मेरे नाती का पता है। ना AN-32 विमान का पता, ना जवान का पता। ये कहानी एक दो परिवारों की नहीं, देश के उन 29 परिवारों की है जिनके लाल 22 जुलाई को उड़ान भरने वाले AN-32 विमान में सवार थे। छह दिन हो गए अब तक ना AN-32 विमान मिला, ना ही मिले 29 जवान। आखिर AN-32 विमान को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? अभी तक जितने लीड मिले वो सब बेकार निकले, लेकिन वी आर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सम ब्लिप्स और साउंड। चांद पर पानी खोजने वाला हिंदुस्तान क्यों नहीं खोज पा रहा AN-32 विमान? मंगल पर सबसे सस्ता सैटेलाइट भेजने वाला देश एक विमान की तलाश में बेबस क्यों? AN-32 विमान आपदा का शिकार हो गया या कोई अनहोनी हो गई? इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी इंडियन मिस्ट्री। AN-32 का रहस्य। जी हाँ, AN-32 का महारहस्य। जी न्यूज पर आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूँ पूर्णिमा मिश्रा। देश के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक AN-32 का गायब होना और 6 दिन बाद भी इसका कोई सुराग न मिलना यकीनन 21वीं सदी की सबसे बड़ी इंडियन मिस्ट्री है, यानी कि 21वीं सदी का महारहस्य। AN-32 विमान 22 जुलाई से गायब है। इस विमान में कुल 29 जवान सवार हैं। AN-32 22 जुलाई को चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भर चुका था, लेकिन उड़ान भरने के 16 मिनट बाद से अब तक इस विमान का कोई अता पता नहीं है। 6 दिन से AN-32 विमान की तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन के लिए समुद्र में भारत का सबसे बड़ा तलाशी बेड़ा तैनात है। नेवी की अत्याधुनिक पनडुब्बी सागर निधि समेत 13 जहाज, कोस्ट गार्ड के 4 जहाज, एयरफोर्स के 12 विमान AN-32 की तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन में इसरो के सैटेलाइट की मदद भी ली जा रही है। 6 दिन तक सर्च ऑपरेशन में क्या ऐसा कोई सुराग मिला जिससे उन 29 जवानों के परिवार को ये भरोसा दिलाया जा सके कि उनके परिवार के लाल सुरक्षित हैं? Thank you.
AN-32 विमान में सवार देश के 29 जवानों के परिवार अब भी अपनों के इंतजार में हैं। 6 दिन हो गए लेकिन 29 जवानों में से ना कोई जवान लौटा ना AN-32 विमान। आखिर AN-32 विमान कहाँ है? क्या AN-32 सुरक्षित है? AN-32 में सवार 29 जवानों का क्या हुआ? रहस्यों से भरे इन सवालों की पड़ताल करने से पहले उन परिवारों का हाल जानना जरूरी है जिनका कोई अपना AN-32 में सवार था। जिस घर में भगवान की तस्वीरों के सामने अखंड ज्योत जल रही है, गांव वाले एक स्वर से अपने लाल के जिंदा लौट आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये घर, ये गांव वायुसेना के जवान छेदी यादव का है। छेदी यादव गाजीपुर के बरेशपुर गांव के रहने वाले हैं। छेदी यादव 22 जुलाई को AN-32 विमान में सवार थे। छेदी यादव 1993 में वायुसेना में शामिल हुए थे और उनकी पहली पोस्टिंग गुजरात के भुज में हुई थी। भुज में आए भूकंप में छेदी यादव का एक बेटा लापता हो गया था जो आज तक नहीं लौटा। छेदी यादव के परिवार में 2 बेटे और 2 बेटी हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। AN-32 विमान के गायब होने की खबर सुनने के बाद से छेदी यादव की पत्नी रह रहकर बेहोश हो जाती है। भगवान से मांगो धनी जा, इसे दूर लौटा दो, मालिक घर चलिए, उनके घर सब दुनिया गांव पूर सब खुशहाल हो जाए उनके देख के। गांव भर की महिलाएं छेदी यादव की पत्नी और बच्चों को दिलासा दे रही हैं कि धीरज रखो, वो जरूर लौट कर आएगा। 100% में 99% लोगों को विश्वास है, वो विश्वास से ही आगे कहे गए हैं और जरूर आएंगे, पूरा विश्वास है।